भारत देश हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाता है। हर भारतीय के लिए ये दिन बेहद खास है, क्योंकि इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, इसलिए इसे आजादी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन के महत्व के बारे में जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होगा। दरअसल 15 अगस्त के दिन 200 सालों से भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश प्रभुत्व का अंत हुआ था। इस दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। 15 अगस्त के दिन पूरे देश में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और फ्लैग होस्टिंग भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों आजादी के दिवस के लिए चुना गया? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ा रोचक इतिहास। बता दें, ब्रिटिश हुकूमत से भारत को 30 जून 1948 को आजाद होना था, लेकिन उस दौर में नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा शुरू हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे की संभावना बढ़ गई, जिसे देखते हुए भारत की आजादी को लेकर 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया इंडिपेंडेंट बिल पेश किया। इस बिल को ब्रिटिश संसद ने तुरंत मंजूरी भी दे दी और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी, जिसके बाद तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और उसके बाद हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा। बाद के समय में देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भी होता है। वहीं अन्य कई रिपोर्ट की माने तो 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और ब्रिटिश आर्मी के सामने जापानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस वक्त ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज में कमांडर थे, ऐसे में वो इस दिन को खास मानते थे। यही वजह थी कि आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस दिन को भारत की आजादी के लिए चुना। कुछ अन्य तथ्य भी ये कहते हैं कि भारत का झंडा पहली बार कलकत्ता के पारसी बगान स्क्वायर में 1906 में फहराया गया। इस पर धार्मिक चिन्ह बने हुए थे, साथ ही 8 गुलाब भी थे, वहीं बीच में वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। कानून ये था कि 2002 में पहले भारत के आम लोगों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फ्लैग कोड में बदलाव किया और जनता को झंडा फहराने की इजाजत दी। जानकारी के अनुसार भारतीय झंडा खादी का ही बना होना चाहिए, किसी और कपड़े का ध्वज फहराने पर 3 साल की सजा हो सकती है। बता दें, इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम आजादी का अमृत महोत्सव के साथ नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। स्वतंत्रता दिवस हर एक भारतीय के लिए खास दिन है और ये हमारे देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। आइए हम सभी इस दिन को खुशी और आशा के साथ मनाएं और भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। न्यूज़ डेस्क, आर्य न्यूज़।